अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है तमाम देखने वालों की। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम्स टू सादिया स्पेशन। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल, जिसके लिए मैंने ये पट्टियाँ पहले ही से ही बाज़ार से ख़रीद के रख ली हैं। डेढ़ चिकन ब्रेस्ट ली है, उसको उबाल कर नमक और लहसुन डाल के उबाल लिया, और दो शिमला मिर्च ली है नॉर्मल साइज़ की, उसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। एक मैंने लिया है प्याज नॉर्मल साइज़ की, उसको भी चॉप कर लिया है। मसालों में मैंने लिया है कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून भरकर, नमक हसबे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, और लहसुन पाउडर जायके के लिए 1/2 टीस्पून। यहाँ मैंने आटे का घोल बनाया है पानी में, जो कि इसमें इसको पट्टियों को बनाने के लिए काम आएगा। इसमें सोया सॉस और चिली सॉस हसबे ज़रूरत डालेंगे। चलें अब इन मसालों को यकजा करके थोड़ा सा भून लेते हैं। सबसे पहले प्याज को थोड़ा सा सोते करेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और ना ही ज़्यादा इसको क्या कहते हैं जलाना है, हल्का सा, ताकि प्याज से क्रिस्पिनेस खत्म हो जाए। अब इसी प्याज के अंदर हम ये चिकन, बॉईल किया हुआ चिकन, ये डाल देंगे और इसको अच्छे से हिलाएंगे। इस पॉइंट पर हम यहाँ पे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस डालेंगे। अब हम तमाम मसाला जार डाल देंगे। और इसको फिर से एक दफ़ा हल्का हल्का सा भूनेंगे। हल्की आंच पे इन तमाम चीज़ों को भूनेंगे। अब इसके अंदर हसबे ज़रूरत चिली सॉस डाल देंगे और साथ ही शिमला मिर्च डाल के फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ताकि शिमला मिर्च बिल्कुल पक ना जाए, उसकी क्रिस्पनेस हमें चाहिए है। बहुत मज़े की स्प्रिंग रोल्स की खुशबू आना शुरू हो गई है। ऑलमोस्ट तमाम मसाले एक जहाँ हो गए हैं, चिकन अच्छे से बस चुके हैं। अब इन तमाम मसालों को हम फिलिंग में भर लेंगे, स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग कर लेंगे। सॉरी, आंच बंद कर दें। जैसे कि हमारा मटेरियल रेडी है, तो अब हम इसको स्प्रिंग रोल्स में भरना शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, ताकि ये टूट ना जाए। इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए आप साइड पे रखते हैं, दूसरी लेंगे।
यहाँ हमारे रोल्स बन के रेडी हैं, यहाँ हमारे रोल्स बन के रेडी हैं। ये तकरीबन 10 रोल मैंने बनाए हैं, एक पट्टियों के पैकेट से 10 रोल आरामी से बन जाते हैं। तो जो जो मटेरियल मैंने बनाया था उसमें तकरीबन आप 15 से 16 या 17 रोल आराम से बना सकते हैं। अब मैं इसने पैन ग्रीस कर लिया है और मैं इस पैन के अंदर इन रोल्स को बेक करने के लिए रखूँगी। मैं इनको फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं इन रोल्स को बेक करूँगी। प्री हीटेड ओवन में 10 से 15 मिनट के अंदर आपके रोल्स बहुत अच्छे क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन से पक के तैयार हो जाएंगे। ये मैंने प्री हीटेड ओवन में बेक होने के लिए रख दिए हैं। तो अब मिलते हैं आपसे तकरीबन 15 मिनट के बाद। अब मैं इनको सर्व करती हूँ और ये फाइनली चटनी के साथ मैंने सर्व किया है। इसमें ये है धनिया पुदीना और अनारदाने की चटनी, ये है केचप और ये है इमली की चटनी। सो आप सब भी ट्राई कीजिए और ज़रूर बताइए मुझे कि कैसा लगा आपको।